So we are starting with a new chapter today, which is chapter number 21, The Theory of Consumer Choice. So basically, this chapter talks about, as the title suggests, it talks about consumer choices and what is the guiding theory behind the choices that consumers make. तो हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर्स अपने डिसीजंस लेते हैं व्हेन दे आर डिसाइडिंग टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी. हाउ डू दे डिसाइड, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट देयर डिसीजन, एंड कितना कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट डिसाइड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. वी विल बी डूइंग सम कॉन्सेप्ट्स, हमें कुछ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद दीज फ्यू कॉन्सेप्ट्स टुडे. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कि कंज्यूमर्स अपनी चॉइसेस कैसे बनाते हैं, इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड. As you can see on the screen, the first section that we are going to cover today is the budget constraint. Now, whenever, imagine yourself as a consumer, when you go out to purchase something, आपके लिए सबसे पहली चीज जो important होती है before deciding how much to consume is to understand कि कितना आप afford कर सकते हो. You cannot obviously consume something without the capacity to consume it. Meaning कि अगर आप उस commodity को afford नहीं कर सकते हो तो आप उसको consume भी नहीं कर सकते हो. So the first important concept and first important condition to decide how much to consume is to know कि आप कितना afford कर सकते हो. And that is called as the budget constraint in economics. Let's look at what is a budget constraint. हम इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर चॉइस की, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम दो गुड्स की बात करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स. एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट टू गुड्स? ऑल्दो कंज्यूमर्स जब डिसाइड करते हैं कोई भी चीज कंज्यूम करने का, तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं. लेकिन हम जब कोई भी थ्योरी बिल्ड करते हैं तो हम लिमिटेड वेरिएबल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं, सो दैट हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना पाए. तो हम टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस, वी विल बी टेकिंग टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम. एंड लेट्स से दीज टू गुड्स आर पेप्सी एंड पिज्जा. दीज आर द टू कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू कंज्यूम. लेट्स से आई एम पुटिंग आउट सम नंबर्स हियर. लेट्स से कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, लेट्स से द कंज्यूमर इज एक्स, एंड इस कंज्यूमर का इनकम है, देयर सम इनकम दैट द कंज्यूमर गेट्स, एंड लेट्स से दैट इज $1,000. लेट्स ऑल्सो सेट द प्राइसेस फॉर दीज टू कमोडिटीज. सो से द प्राइस ऑफ पिज्जा इज $10 पर पिज्जा, एंड प्राइस ऑफ पेप्सी इज लेट्स से $2. ठीक है, सो दीज आर पर यूनिट प्राइसेस ऑफ पिज्जा एंड पेप्सी. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ पेप्सी एंड हाउ मच ऑफ पिज्जा वुड दिस कंज्यूमर कंज्यूम, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है. वी आर सेइंग दैट द कंज्यूमर हैज अ मंथली इनकम ऑफ $1,000, एंड वी आर ऑल्सो बिलीविंग कि ये वो पूरे $1,000 अपना पेप्सी और पिज्जा की कंजम्पशन में लगा देता है. सो इफ आई हैव टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं क्वांटिटी ऑफ पिज्जा और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करूं क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, तो यहां पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बना सकती हूं, प्लॉट कर सकती हूं, जो मुझे बताएंगे कि इतने मंथली इनकम में a person who has a monthly income of $1,000 per month, how much of Pepsi and pizza can he afford given these prices and monthly income. Now remember, hum ye nahi bol rahe hain ki kitna wo consume karega, we are just saying ki budget constraint jo hota hai wo hame batata hai ki given the budget, given the resources that the consumer has,
हाउ मच कैन ही अफोर्ड. अफोर्ड और कंज्यूम करने में डिफरेंस है. अफोर्ड का मतलब है कि इतना वो अफोर्ड कर सकता है, इतना वो ले सकता है, बट वो एक्चुअली में कितना कंज्यूम करेगा वो हम आगे जाके समझेंगे. सो बजट कॉन्स्ट्रेंट कुड बी डिफाइंड एज द लिमिट ऑन कंजम्पशन बंडल. कंजम्पशन बंडल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो कमोडिटीज की बात कर रहे हैं. कॉन्स्ट्रेंट इज बेसिकली अ लिमिट ऑन कंजम्पशन बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड. हाईलाइटिंग दिस लाइन अफोर्ड, ठीक है. कंजम्पशन बंडल्स का मतलब है कि हम अभी एक गुड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं. तो दो गुड्स में हम बंडल्स इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो दो यूनिट ऑफ पेप्सी कंज्यूम करें और तीन यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम करें, या चार यूनिट ऑफ पेप्सी कंज्यूम करे और छह यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम करे. तो इसको हम कंजम्पशन बंडल बोल रहे हैं, जिसमें हम दोनों कमोडिटीज का क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज कंजम्पशन बंडल्स. ना कितना वो कंज्यूम कर सकता है पेप्सी और कितना पिज्जा कंज्यूम कर सकता है, इस पे लिमिट कौन लगा रहा है, उसकी इनकम. क्योंकि वो ऑब्वियसली अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता पेप्सी और पिज्जा पे. जितनी उस कंज्यूमर की इनकम है वो उसी लिमिट के अंदर पेप्सी और पिज्जा कंज्यूम कर सकता है. सो लिमिट ऑन द कंजम्पशन बंडल्स इज कॉल्ड एज द बजट कॉन्स्ट्रेंट. सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस. हम पहले दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली पेप्सी, ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि वो पिज्जा की, लेट्स प्लॉट टू कॉलम्स हियर, क्वांटिटी ऑफ पिज्जा एंड क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, ठीक है. एंड आई एम सेइंग कि पहली सिचुएशन मैं मान के चल रही हूं कि वो पिज्जा की जीरो यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और सारा अपना इनकम पेप्सी पे खर्च कर रहा है. तो वो कितनी पेप्सी कंज्यूम कर सकता है, पेप्सी इज ₹2 पर यूनिट. एंड इफ ही इज ओनली कंज्यूमिंग पेप्सी एंड नो पिज्जा, देन हाउ मच पेप्सी कैन ही कंज्यूम. 1000 divided by 2, $2 की एक पेप्सी है और ₹1000 उसके पास है, $1000 उसके पास है, सॉरी. देन हाउ मेनी पेप्सी कैन ही कंज्यूम, 500. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा कंज्यूम करेगा और पेप्सी नहीं करना चाहता, तो क्या उसका कंजम्पशन बंडल होगा, जीरो यूनिट्स ऑफ पेप्सी एंड 1000 divided by, एक पिज्जा $10 का है एंड टोटल इनकम $1000 है, तो एक अगर वो सारे पैसे अपने पिज्जा पे स्पेंड कर रहा है तो वो कितने पिज्जा कंज्यूम कर सकता है, 100 units, राइट. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, विच इज दैट कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी अफोर्डिंग. इफ ही स्पेंड्स द इंटायर इनकम ऑन वन कमोडिटी, हाउ मच ऑफ दैट कमोडिटी कैन ही अफोर्ड. तो मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे इस ग्राफ में प्लॉट कर सकती हूँ. जीरो यूनिट्स ऑफ पिज्जा का मतलब हुआ 0 units ऑफ पिज्जा एंड 500 units ऑफ पेप्सी. तो पेप्सी वाली एक्सिस पे मैं 500 प्लॉट कर देती हूँ, ठीक है. ये हो गया ये वाला पॉइंट, 0 units ऑफ पिज्जा एंड 500 units ऑफ पेप्सी. Then I will plot this point, which is 0 units of Pepsi and 100 units of pizza. So 0 units of Pepsi and 100 units of pizza. ये हो गया point B, which is reflected by this point. ठीक है. इस graph में मैं अगर किसी भी random point को interpret करूं तो वो मुझे क्या बताता है. Say I take this point. ठीक है, मैंने ये point लिया है इस graph में. इस point का क्या मतलब है कि जो भी x कोऑर्डिनेट, जो भी x एक्सिस पे वैल्यू होगी वो मुझे बताएगी कि ये एक कंजम्पशन बंडल है, ये पॉइंट एक कंजम्पशन बंडल है. यहां पे जो भी x वैल्यू होगी, सपोज यहां पे x वैल्यू है 80, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है 80 यूनिट्स ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहा है. और सपोज ये वैल्यू है 460, तो वो 460 यूनिट्स ऑफ पेप्सी कंज्यूम कर रहा है. तो बेसिकली किसी भी एक रैंडम पॉइंट को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो बताएगा कि कितने यूनिट्स ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो है वो हमें ये बताएगा कि कितने पेप्सी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर इस पॉइंट पे, ठीक है. तो ये इंटरप्रिटेशन है किसी भी एक रैंडम पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट पे. तो अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को इंटरप्रेट करो तो आप देख सकते हो कि
एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे प्लॉट करे हैं, वहां पे सपोज इफ आई लुक एट पॉइंट बी, देन एट पॉइंट बी आई एम कंज्यूमिंग 100 यूनिट्स ऑफ पिज्जा और पेप्सी के 0 यूनिट्स. सो आई कैन राइट दिस एज, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 100, 0. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू को पहले लिखते हैं, इसीलिए हमने रेट पहले लिखा है और बाद में जीरो लिखा है. सिमिलरली इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक्सिस 0, वाई एक्सिस 500. नाउ इमेजिन अ थर्ड पॉइंट जहां पे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मैं अपने 1000 रुपीज को, $1000 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज 500 एंड 500. तो मैं $500 स्पेंड करना चाहता हूँ पिज्जा पे और $500 स्पेंड करना चाहता हूँ पेप्सी पे. इफ दिस इज द डिसीजन दैट द कंज्यूमर मेक्स, देन हाउ मच यूनिट्स ऑफ पिज्जा एंड पेप्सी कैन ही कंज्यूम? 500 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 50 यूनिट्स ऑफ पिज्जा एंड 500 डिवाइडेड बाय 2, 250 यूनिट्स ऑफ पेप्सी. तो अब मैं एक थर्ड पॉइंट यहां पे प्लॉट कर सकती हूँ, विच इज 50 यूनिट्स ऑफ पिज्जा एंड 250 यूनिट्स ऑफ पेप्सी. ठीक है, दिस इज 50 एंड दिस इज 250. ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट सी, जिसको मैं लिख सकती हूँ 50, 250. सिमिलरली मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना सकती हूँ जो विद इन $1000 हमें बताएंगे कि कितने पेप्सी और कितने पिज्जा डिफरेंट पॉइंट्स पे कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. सपोज मैं एक और पॉइंट ले लूं, पॉइंट डी, जहां पे ये $600 स्पेंड कर रहा है पिज्जा पे, तो हो गए 60 यूनिट्स ऑफ पिज्जा, और $400 स्पेंड हो रहे हैं पेप्सी पे, तो हो गए 200 यूनिट्स. तो मैं एक और पॉइंट प्लॉट कर सकती हूँ, विच विल बी 60 एंड 200. सो लेट्स से दिस इज 200 एंड दिस इज 60, दिस इज पॉइंट डी विच इज 60. ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकती हूँ यूजिंग द सेम मेथड, which will tell me the different consumption bundles. Now you understand what is a consumption bundle. Consumption bundle is a set of quantity of two commodities that the consumer is consuming. So if I join these points by a line, then that line is called as the budget line. So yahan pe jo ye maine line plot kari hai, this is nothing but the budget line. ये हमें क्या बता रही है? ये लाइन हमको बता रही है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट कंजम्पशन बंडल हमें बता रहे हैं पेप्सी और पिज्जा के, सच दैट द इंटायर इनकम इज एग्जॉस्टेड. व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ पेप्सी एंड पिज्जा, देन ही कैन कंज्यूम at any of these points. He can basically afford any of these points, right? वो कौन सा point consume करता है, वो point A consume करेगा या point B करेगा या C करेगा या D करेगा, या for that matter कोई एक point यहाँ पे consume करेगा, which is say another point E, that is something we will understand later on. But budget constraint का purpose ये है कि ये आपको समझाता है कि within the given budget कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं कंज्यूमर के पास जो वो अफोर्ड कर सकता है. तो अगर इसको मैं थोड़ा एक दूसरे स्लाइड पे, इफ आई प्लॉट दिस इन ऑन अ नीटर स्पेस, देन दिस इज व्हाट अ बजट लाइन इज. दिस इज पेप्सी, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, एंड दिस इज पिज्जा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स बजट लाइन. अब हम देख लेते हैं कि कंजम्पशन बंडल्स जो इस लाइन पे प्लॉटेड हैं, वो ऐसे कंजम्पशन बंडल्स है जिसमें कंज्यूमर की पूरी इनकम कंज्यूम हो रही है, विच इज $1000. पूरा इनकम कंज्यूम हो रहा है कंज्यूमर का, वो इस बजट लाइन के ऊपर लाए करेंगे. अगर मैं बात करूं किसी एक पॉइंट की जो यहां पे लाए करता है, दिस इज अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स कि यहां पे कंज्यूमर की पूरी इनकम कंज्यूम नहीं हो रही है. ठीक है, जो इस लाइन पे पॉइंट्स लाए करेंगे वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे पूरे $1000 कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स इस लाइन
के नीचे लाई कर रहे हैं, बेसिकली इस एरिया में जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कंज्यूमर की पूरी इनकम कंज्यूम नहीं हो रही है. विल अ पॉइंट लाइक दिस रिप्रेजेंट, दिस इज अ पॉइंट विच विल रिक्वायर मोर देन $1,000. सो दिस इज अ पॉइंट विच इज नॉट अफोर्डेबल. ये एक ऐसा कंजम्पशन पॉइंट है जो कंज्यूमर गिवन $1,000 ऑफ इनकम कंज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है. सो दीज पॉइंट्स, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, दे आर ऑल आउट ऑफ द बजट सेट. दे डू नॉट कम इन द बजट सेट एंड हेंस ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी नॉट अफोर्डेबल. अगर कंज्यूमर की इनकम $1,000 है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को कंज्यूम कर सकता है. या तो वो बजट लाइन के ऊपर लाए करेंगे या वो बजट लाइन से नीचे होंगे, इस ट्राइंगल में होंगे. बट ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो बजट सेट में नहीं काउंट हो रहे हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को कंज्यूम करने के लिए, इन कंजम्पशन बंडल्स को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को $1,000 से ज्यादा इनकम रिक्वायर्ड होगी. नाउ लेट्स लुक एट the interpretation of the slope of this budget line. Basically, यहाँ पे जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये इसकी कितनी स्टीपनेस है, ये कितनी स्टीप है या कितनी फ्लैट है, ये हमें पता लगता है उस लाइन की स्लोप से. और हम स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है? चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी divided by change in the quantity of pizza. If I have to calculate the slope of this budget line, then I'll need some points here. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो points ले रही हूँ इस budget line पे जो हमने अभी plot करी थी, और फिर हम देखेंगे कि इसकी slope कितनी आती है. Notice that the slope is negative. ये एक downward sloping curve है. इसका क्या मतलब है? अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है तो इसका मतलब है कि अगर गिवन द कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम यू हैव, इफ यू वांट टू स्पेंड मोर ऑन पिज्जा देन यू विल हैव टू कंज्यूम लेस ऑफ पेप्सी बिकॉज आपके पास $1,000 हैं. तो अगर आप एक कमोडिटी पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो दूसरी कमोडिटी पे कम खर्चा करोगे. इसीलिए अगर आप एक कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरी कमोडिटी पे कम स्पेंड करोगे, उसको कम कंज्यूम कर पाओगे. इसीलिए आप देख रहे हो कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है. क्वांटिटी ऑफ पिज्जा अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी कम हो जाएगी, कीपिंग एम कांस्टेंट. एम इज योर इनकम. अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है तो आप देखोगे कि अगर आप ज्यादा पिज्जा कंज्यूम करोगे तो पेप्सी कम होती जाएगी, राइट? अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और मैं देख रही हूं कि इस पॉइंट पे पिज्जा का कंजम्पशन इतना है और पॉइंट बी पे पिज्जा का कंजम्पशन इतना है, लेकिन पॉइंट ए के कंपैरिजन में पॉइंट बी पे पेप्सी का कंजम्पशन फॉल हो गया है, तो कहने का मतलब है कि अगर पिज्जा ज्यादा कंज्यूम करेगा कंज्यूमर तो उसकी जो पेप्सी की कंजम्पशन है वो फॉल करेगी. सो टू कंज्यूम मोर ऑफ वन कमोडिटी द अदर कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइज, एंड दैट इज वाई यू सी दैट द बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप्ड, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब एग्जैक्टली इसकी स्लोप कितनी है? सो सपोज आई टेक दीज पॉइंट्स हियर, हमने यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट करे थे, लेट्स टेक द सेम पॉइंट्स. मैं यहाँ पे ये दो पॉइंट्स पिक कर रही हूँ, ठीक है, 50 and 250 and 60 and 200. अब चेंज इन वाई कितना है? 250 minus 200 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कितना है? 50 minus 60, सो -10. माइनस देख लिया आपने, नेगेटिव में आ रहा है. नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो ये कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगी इस बजट लाइन की -5. इस स्लोप को अब मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ? इस स्लोप का मतलब है कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम करना है, if I will change my x by 1 unit, then my y has to be changed by 5 units. और change किस direction में हो रहा है? Negative direction में. तो इस slope का meaning क्या है? Economic meaning क्या है? That to consume an extra pizza
कंज्यूमर विल हैव टू सैक्रिफाइस 5 units ऑफ पेप्सी. ये स्लोप बेसिकली आपको बता रही है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा पिज्जा अफोर्ड करना चाहते हो तो गिवन द इनकम यू विल हैव टू सैक्रिफाइस 5 units ऑफ पेप्सी. इसका क्या मतलब है कि एक पिज्जा जो है बेसिकली 5 पेप्सी के इक्विवेलेंट है. अगर आपको एक पिज्जा कंज्यूम करना है, अफोर्ड करना है, तो आपको 5 पेप्सी छोड़नी पड़ेगी, 5 units ऑफ पेप्सी छोड़नी पड़ेगी. सो वी कैन से दैट 1 पिज्जा इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 5 पेप्सी. एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस फ्रॉम दी प्राइसेस. अगर आपको याद हो तो पिज्जा का प्राइस कितना था, $10, और पेप्सी का प्राइस कितना है, $2. एक पेप्सी आ रही है $2 में और एक पिज्जा आ रहा है $10 में. तो अगर आपको $10 खर्च करने हैं, अगर आपको एक पिज्जा एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है तो आपको $10 खर्च करने पड़ेंगे. और अगर आपको $10 खर्च करने हैं तो आपको पेप्सी से $10 बचाने पड़ेंगे. और पेप्सी से $10 कब बच सकते हैं, जब आप 5 पेप्सी का खर्चा बचाओ. एक पेप्सी $2 की है, अगर आप 5 पेप्सी का खर्चा बचाओगे तो आपके पास $10 आएंगे और आप इस एक्स्ट्रा $10 से फिर एक पिज्जा खरीद सकते हो. तो बेसिकली ये जो स्लोप है, ये जो बजट लाइन का स्लोप है, ये आपको रिलेशनशिप बता रहा है कि एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि गिवन द मार्केट प्राइसेस, अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करनी है पिज्जा की, देन आपको 5 units पेप्सी की लूज करनी पड़ेगी. सो इट बेसिकली टेल्स यू the opportunity cost. This is called as the opportunity cost of pizza. मतलब अगर आप pizza consume कर रहे हो तो आप 5 units of Pepsi को lose कर रहे हो, ठीक है. So the opportunity cost of 1 pizza is 5 units of Pepsi. And in a way the slope also tells you the ratio of their prices or relative prices. The slope of the budget line also tells you the relative prices. Relative prices क्यों? क्योंकि slope किसके equal है? Price of pizza divided by price of Pepsi. Price of pizza $10, price of Pepsi $2. So the relative prices of the two commodities is also indicated by the slope. Preferences, which is what consumers want. ठीक है, तो जब भी हम consumer choice के बारे में बात कर रहे हैं, दो चीजों का intersection है consumer choice. पहली बात तो हो गई कि आप क्या afford कर सकते हो, आपकी क्या capacity है, what is it that you can actually purchase, what is your purchasing capacity. The second thing is that what as a consumer do you really want? Because obviously when you are making a choice as a consumer, it matters ki aap actually mein chahate kya ho, what are your preferences, what is your want. And then when we are done with understanding what our preferences, we will add these two and decide, and with the addition of these two we will get our final answer, which is how do consumers actually make a decision. Now when we talked about ki consumers क्या बंडल्स अफोर्ड कर सकते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी विच वॉज बजट कॉन्स्ट्रेंट. टू अंडरस्टैंड प्रेफरेंसेस और वॉन्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, अगेन आई विल टेक द सेम प्लॉट जहां पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिए थे क्वांटिटी ऑफ पिज्जा. हमने दो कमोडिटीज की बात करी है, pizza and Pepsi, and I am taking pizza on the x-axis and Pepsi on the y-axis, and I am saying that a plot between quantity of Pepsi and pizza which looks like this is called as an indifference curve. Now indifference curve ka matlab kya hota hai? So indifference curve pe aap dekhoge, if I take any point on the indifference curve, it basically gives me different consumption bundles. कंजम्पशन बंडल्स ऑफ पिज्जा एंड पेप्सी. तो यहाँ पे कुछ कमोडिटी ऑफ पिज्जा है, लेट्स से 2, लेट्स से 10. सो 2 units ऑफ पिज्जा एंड 10 units ऑफ पेप्सी. देन यू हैव लेट्स से 4 एंड 2.
So 4 units of pizza and 2 units of Pepsi. So these are some numbers, some consumption bundles that you get on the indifference curve. Now, indifference curves आपको ऐसे points बताता है जिन points में as a consumer आप indifferent हो. Indifference जो curve का नाम है वो इस term से आया है, which is indifferent. Indifferent का मतलब होता है कि न्यूट्रल, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए दोनों चीजें इक्वल है. सपोज मैं बात करूं कि एज अ कंज्यूमर, इफ आई लाइक कंज्यूमिंग 1 पिज्जा विद 2 पेप्सी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय प्रेफरेंस, मेरी ये प्रेफरेंस है, मैं ये चाहती हूं कि मैं 1 पिज्जा और 2 पेप्सी कंज्यूम करूं. जितनी मुझे खुशी 1 पिज्जा और 2 पेप्सी कंज्यूम करके मिलेगी, उतनी ही खुशी मुझे मिलेगी बाय कंज्यूमिंग 3 पिज्जास एंड 1 पेप्सी. ठीक है, सो आई एम सेइंग दैट आई एम ओके एज अ कंज्यूमर, इट डजंट मैटर टू मी वेदर आई एम कंज्यूमिंग दिस बंडल और आई एम कंज्यूमिंग दिस बंडल. ठीक है, एज अ कंज्यूमर ऑल्सो अगर आप अपने बारे में सोचो, सपोज मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो एंड यू हैव डिसाइडेड दैट यू वॉन्ट टू पिकअप सम फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेट्स से यू वॉन्ट टू पिकअप चिप्स एंड यू वॉन्ट टू पिकअप सॉफ्ट ड्रिंक्स. ठीक है, नाउ मे बी एज अ कंज्यूमर आप बोलोगे कि आई एम ओके विद हैविंग 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू हैव, और यू गिव मी 1 पैकेट ऑफ चिप्स एंड 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. आपको जितनी खुशी इस बंडल को कंज्यूम करके मिलेगी, उतनी खुशी आपको इस बंडल को कंज्यूम करके मिल रही है. तो हम बोल रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कंजम्पशन बंडल के, और वो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हमें इक्वल खुशी मिलती है, इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब दोनों ही चीजें या तीनों ही चीजें आपके लिए इक्वल है. ठीक है, सो सपोज आई एड अनदर बंडल हियर वेयर आई से दैट आई एम हैविंग 0 units ऑफ चिप्स बट 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड आई एम सेइंग कि मैं तीनों में खुश हूं, मेरे को तीनों में एक जैसी सैटिस्फैक्शन या एक जैसी खुशी मिल रही है, एक जैसी यूटिलिटी मिल रही है. तो ऐसे बंडल्स, ऐसे कंजम्पशन बंडल्स जहां पे आप डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं, उनको हम ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं जिनमें आप इनडिफरेंट हो. और इन पॉइंट्स को जब आप एक प्लॉट पे ड्रॉ कर देते हो तो आपको एक कर्व मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं इनडिफरेंस कर्व. तो ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर, ये ग्राफ प्लॉट करा है, दिस इज कॉल्ड एज एन इनडिफरेंस कर्व. और इस इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स डिपिक्ट कर रहे हैं ऐसे कुछ ऑप्शंस, ऐसे कुछ कंजम्पशन बंडल्स जिसमें आप कोई सा भी बंडल पिक करो, आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिल रही है. सो ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व, इफ यू आर एट पॉइंट ए और यू आर एट पॉइंट बी, यू गेट द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. So, to define this, I can say that indifference curve is a curve that shows consumption bundles that give consumer the same level of satisfaction. So, it is a collection of points where points represent different consumption bundles, and at all of these bundles, the consumer gets the same level of satisfaction. That is called as an indifference curve. ठीक है? Now let's look at, जैसे हमने बजट कॉन्स्ट्रेंट को समझने के लिए हमने बजट कॉन्स्ट्रेंट की स्लोप को समझा था, we look at कि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, why is it negatively sloped, और ये ऐसा कर्व क्यों है. बजट कॉन्स्ट्रेंट हमने देखा था लिनियर है, यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व हम देख रहे हैं एक कर्व की शेप में है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. अगेन यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है वो स्लोप के बारे में, वो क्या दिख रही है, दैट इट इज negatively sloped. Negative slope का क्या मतलब है, if I am at this point and I am comparing this with another point B, negative slope का मतलब है कि मेरी जो satisfaction है as a consumer at point A, that is exactly equal to the satisfaction at point B. And to maintain the same level of satisfaction,
if I am increasing the consumption of one commodity, I will have to decrease the consumption of another commodity. Right? That is why the slope of the indifference curve is negative. Negative क्यों? क्योंकि अगर मैं पिज्जा का consumption increase कर रही हूं from P1 to P2, then to maintain the same level of satisfaction, I will have to decrease the consumption of Pepsi. Now, exactly ये slope हमें क्या बताता है? The slope of the indifference curve tells you the rate at which consumer is willing to substitute one good for another. इस concept को indifference curve के slope को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, which is called as marginal rate of substitution. This is also called as marginal rate of substitution. ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आप इस point पे let's say 2 units of pizza and 10 units of Pepsi consume कर रहे थे, और इस point पे आप 3 units of pizza consume कर रहे हो और 6 units of Pepsi consume कर रहे हो, then हम बोल रहे हैं कि ये जो consumer है वो एक pizza extra consume करने के लिए 6 units of Pepsi को sacrifice कर सकता है. The rate at which consumer is willing to substitute one good for the other. मतलब कि अगर उसको एक extra pizza consume करना है और उसको ये भी make sure करना है कि उसको उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी उसको पहले point पे मिल रही थी, then he will have to sacrifice 4 units of Pepsi. ये जो sacrifice है, ये जो rate of substitution है, ये consumer की want के according हो रहा है. कंज्यूमर की विलिंगनेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, कंज्यूमर की वांट के अकॉर्डिंग हो रहा है. रिमेंबर, बजट लाइन में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वो मार्केट की वजह से हो रहा था कि आप अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम करते हो तो आपको उतनी पेप्सी लूज करनी पड़ेगी जितनी उसकी प्राइस है. रिमेंबर कि वो मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था. जो बजट लाइन में हमने स्लोप देखी थी, दैट वाज द मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यहां पे जो आप सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो दोनों गुड्स का, ये कंज्यूमर की विलिंगनेस के अकॉर्डिंग हो रहा है. आपके पास दो पॉइंट्स हैं. बजट लाइन के पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो आपको इस प्राइस पे टोटल आपके 1000 रुपीज खर्च करवा दें कंज्यूमर के, वो बजट पॉइंट के, बजट लाइन के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की जहां पे आप 90 यूनिट्स ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कितने रुपए स्पेंड कर रहे हो? 90 into 10 प्लस 50 यूनिट्स आप पेप्सी की कंज्यूम कर रहे हो, सो 50 into 2, दिस विल गिव यू 1000. आपने टोटल अपने $1000 खर्च कर दिए. इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? 80 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो पिज्जा की और 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो पेप्सी की. अगेन आप $1000 खर्च कर रहे हो पूरे अपने. हमने ये बोला था कि जब आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से पॉइंट बी पे आओगे, तो आपको 10 यूनिट्स अगर आपको एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है पिज्जा की. यहां पे आप 80 कर रहे हो पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे आप 90 कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स कंज्यूम करनी है पिज्जा की, तो आपको 50 यूनिट्स पेप्सी की कम करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो आपको 50 यूनिट्स कम करनी पड़ रही हैं, ये अपने अपनी खुशी की वजह से नहीं कम करनी पड़ रही हैं, ये आपको इसलिए कम करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको 10 यूनिट्स पे, 10 यूनिट ऑफ पिज्जा पे जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो आप तभी कर पाओगे जब आप 50 यूनिट पेप्सी की कम कंज्यूम करोगे. ये मार्केट प्राइसेस की वजह से आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो कि अगर आपको 10 यूनिट्स ऑफ पिज्जा एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है, यहाँ पे आप 80 कर रहे थे, यहाँ पे 90, तो 10 यूनिट ऑफ पिज्जा के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? 10 into 10, क्योंकि एक पिज्जा $10 का है, तो आपको $100 चाहिए होंगे अगर आपको 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स पिज्जा की कंज्यूम करनी है. ठीक है, अब ये $100 आपके पास कहां से आएंगे? आपके पास पैसे तो फिक्स्ड हैं, $1000. ये आपके पास तभी आएंगे जब आप 50 पेप्सी सैक्रिफाइस करोगे. 50 into 2 is 100. एक पेप्सी $2 की है, तो अगर आप 50 पेप्सी कम कंज्यूम करोगे तो आप हर पेप्सी पे $2 बचा रहे हो, मतलब 50 पेप्सी पे $100 बचा रहे हो. तो आपके 50 पेप्सी कम कंज्यूम करने की वजह से $100 बच जाएंगे और ये $100 आप अपनी 10 एक्स्ट्रा पिज्जा पे स्पेंड कर सकते हो. ये जो सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो रहा है
from 80 to 90 and from 100 to 50. This is happening because of market rate of substitution. It is the market prices जो ये गाइड कर रही हैं सब्स्टिट्यूशन को. ठीक है, अब आप देखो इनडिफरेंस कर्व का सब्स्टिट्यूशन. इनडिफरेंस कर्व का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइसेस. मार्केट आपको नहीं बोल रहा कि आपको इतनी कम पेप्सी कंज्यूम करनी पड़ेगी अगर आप एक एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम. ये आपका जो सब्स्टिट्यूशन इनडिफरेंस कर्व में हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है. एज अ कंज्यूमर आपको कितनी खुशी मिल रही है ये उस वजह से हो रहा है. So for example, I take a point here, which is 2 units of pizza and 10 units of Pepsi. ठीक है? Now, if I want to have one more pizza, अगर मैं 3 unit of pizza consume करना चाहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं 6 units of Pepsi consume करूँगी. Now, this substitution, यहाँ पे क्या हो रहा है? कि एक extra pizza consume करने के लिए, मैं 6 यूनिट्स पेप्सी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं. दिस इज हैपनिंग नॉट बिकॉज मार्केट इज आस्किंग मी टू डू सो. ये मार्केट की वजह से नहीं हो रहा है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई सेल्फ एज अ कंज्यूमर आई वैल्यू वन पिज्जा इक्विवेलेंट टू 6 पेप्सी. मैं एक पिज्जा को 6 पेप्सी पर वैल्यू कर रही हूं. कोई और कंज्यूमर किसी और रेट पे वैल्यू कर सकता है. एज आई सेड मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल नंबर्स लिए हैं, बट दिस कुड वेरी फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर. हो सकता है कि कोई और बोले कि मैं एक पिज्जा को 10 पेप्सी के बराबर समझता हूं. ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा. हो सकता है कोई और बोले कि मैं एक पिज्जा को 5 पेप्सी के बराबर समझता हूं, तो उसके लिए ये पॉइंट अलग हो जाएगा. लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एक टिपिकल कंज्यूमर का इनडिफरेंस कर्व का मतलब यह है कि एक पिज्जा एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए आप कितनी पेप्सी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो सच दैट आपको सेम सैटिस्फैक्शन मिले जो आपको पिछले पॉइंट पे मिल रही थी. ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी प्रेफरेंसेस की वजह से, आपकी वांट की वजह से. बजट कॉन्स्ट्रेंट में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, क्योंकि मार्केट की प्राइसेस ऐसी हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन दैट इज अकरिंग इन द बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड दैट इज अकरिंग इन द इनडिफरेंस कर्व इज दैट द बजट कॉन्स्ट्रेंट इज सब्स्टिट्यूटिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. वेयर एज इन द इनडिफरेंस कर्व द सब्स्टिट्यूशन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ योर वैल्यूएशन, योर प्रेफरेंस. बजट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व कर्व होता है. ये क्यों होता है, तो कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब है कि आपकी जो स्लोप है या जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है. बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि जो इसकी स्लोप है वो हर पॉइंट पे फिक्स्ड है. क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि हमें पता है कि बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव प्राइसेस. ठीक है, और प्राइसेस तो चेंज नहीं होंगी, प्राइसेस तो फिक्स रहेंगी. चाहे आप 2 यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर लो चाहे 4 कर लो, हम मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस तो फिक्स हैं. तो बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो हर पॉइंट पे सेम होती है, लेकिन इनडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है. क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इनडिफरेंस कर्व में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, और आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं. प्राइसेस चेंज नहीं होगा, पिज्जा कितने का आ रहा है या पेप्सी कितने की आ रही है ये किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होगी, लेकिन आप कितने भूखे हो या आप कितने प्यासे हो इस चीज पे आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं. और आप देखोगे कि सपोज मान के चलो आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, यहां पे आप 2 यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो और पेप्सी ले रहे हो 10. ठीक है, मैंने बोला अभी कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम करना है तो 3 यूनिट ऑफ पिज्जा हो जाएंगे और 6 यूनिट ऑफ पेप्सी हो जाएगी. 3 यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम करने के बाद अगर मैं चौथा पिज्जा कंज्यूम करना चाहती हूँ, एक और पिज्जा ऐड करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि मैं पेप्सी में सिर्फ 2 यूनिट का सैक्रिफाइस करूं. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द स्लोप और द MRS ऑफ IC डिक्रीजेस. यहां पे स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप इज फिक्स्ड,
स्लोप इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज. इन डिफरेंस कर्व के केस में स्लोप इज डिक्रीजिंग. व्हाई डिक्रीजिंग? क्योंकि जो एज अ कंज्यूमर जो भी कमोडिटी आपके पास कम होती है ना, आप उसकी वैल्यू ज्यादा करते हो. ठीक है, आपके लिए वो कमोडिटी ज्यादा वैल्यूएबल है जो थोड़ी कम अमाउंट में है. तो जब आपके पास एक कमोडिटी कम है, जैसे सपोज इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे आपके पास पिज्जा कम है, ठीक है, और आप एक पिज्जा की वैल्यू ज्यादा करते हो, तो जब आप सेकंड पिज्जा से थर्ड पिज्जा पे आओगे तो आप बोलोगे कि चलो मैं 4 यूनिट ऑफ पेप्सी सैक्रिफाइस कर दूंगा. अगर मैं 2 पिज्जा कंज्यूम कर रहा था और अब मैं 3 पिज्जा कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं 4 यूनिट ऑफ पेप्सी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं. लेकिन जब मैं 3 पिज्जा से 4 पिज्जा पे जाता हूं, तो शायद मैं सिर्फ 2 पेप्सी सैक्रिफाइस कर पाऊं, क्योंकि अब मैंने इनफ ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी पिज्जा की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, आपका पेप्सी जितनी आप सैक्रिफाइस कर सकते हो एक एक्स्ट्रा पिज्जा के लिए, वो घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा. और इसीलिए आप देख रहे हो कि ये जो स्लोप है, ये जो कर्व है, ये इस तरीके से बोर्ड डाउन है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा.